ओम शांति। 12 अक्टूबर, आज बाबा हम बच्चों में बहुत बल भर रहे हैं कि कोई भी विघ्न आए तुम्हें अपनी स्थिति को अचल अड़ोल बनाना है, हिलना नहीं है। भले ही बाबा जानते हैं ये स्थिति अंत में आएगी पूरी तरह, परंतु अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए गायन है, अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, वो तुम हो। भगवान मिल गया तो तुमसे ज्यादा खुश कौन रह सकता है। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। भगवान ने स्वयं हमें एडॉप्ट कर लिया है विश्व की बादशाही देने के लिए। जिसके पास जो कुछ होता है वही तो देता है। वो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और वो राजा ही देने हमें आ गए हैं, तो उन्होंने हमें एडॉप्ट कर लिया है, हम उनके बच्चे बन गए हैं। बच्चे बाबा कहते हैं, बाबा तन मन धन सब आपका है, बलिहार जाते हैं। बाबा कहता है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और बच्चा भी हूँ। तुम मुझ पर बलिहार जाते हो, मैं तुम पर बलिहार जाता हूँ 21 जन्मों के लिए। मैं भी कहता हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रच रहा हूँ। वहाँ बहुत सुख होंगे, विज्ञान भी बड़ा सुखदायी होगा। बाबा कह रहे, देखो आज विज्ञान ने विमान निकाल दिए, एरोप्लेन्स, यात्राओं के सब साधन कर दिए हैं, बड़ा सुख दिया, लेकिन साथ में विनाश की तैयारी भी करा दी। साधन दुख भी दे रहे हैं। सत्युग में ये विज्ञान तुम्हें संपूर्ण रूप से सुख देगा। ये विमान तुम्हारे लिए वैज्ञानिक बना देंगे, फुल प्रूफ होंगे विमान, कोई डर नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, बच्चे भी चला सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक संस्कार लेकर जाएंगे, फिर आकर विमान तैयार करेंगे। तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ और कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। महाभारत लड़ाई तुम्हें सामने दिखाई दे रही है, सब तैयारी हो गई है, बस स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाए और विनाश का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बाबा कहते हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं इसके तन में जब से आया तो इसको भी बहुत गालियां खानी पड़ी, भाइयों ने बहुत विरोध किया, बच्चे बड़े हो गए, कहा हम तो शादी करेंगे, शादी बिना कैसे चलेगा, समाज ने विरोध किया, सारे सिंध ने विरोध किया, अमेरिका तक अखबार में उल्टी सुल्टी बातें छाप दी, लेकिन बाबा अचल अडोल रहे। हमें तो भगवान मिल गए, विश्व की बादशाही मिल रही है, छोटी बातों की परवाह ही नहीं की। बाबा पवित्र बनना सिखाते हैं। तुमने ही तो मुझे पुकारा था, तुम लिबरेटर हो, गाइड हो, रहम दिल हो, आओ हमें पावन बनाओ। तो मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूं। तो शिव बाबा ने कहा, तुम्हें पवित्र बनना है, मेरी आज्ञाओं पर चलना है। तो चारों हंगामे हो गए, सब गालियां देने लगे, अखबारों में डालने लगे, विरोध होने लगा, पर बाबा अचल अडोल रहा। पवित्रता के पथ को न छोड़ा न छुड़वाया। भगवान की आज्ञा है, पवित्र बनो। तुम बच्चों को भी महावीर बनना है। पवित्रता के कारण ही घर घर में झगड़े होते हैं। मैंने तुम्हें आदेश दिया है, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है तुम्हें। तो झगड़े हो जाते हैं, एक पवित्र बनता है दूसरा नहीं बनता, तो झगड़े होते हैं। लेकिन तुम्हें बहुत पावरफुल बनकर रहना है, प्रतिज्ञा कर लेनी है, हमें पवित्र बनना ही है। चलो, तुम्हारी शादी हो गई है, अब शादी के समय सबने कहा था, ब्राह्मणों ने कहलवाया था, पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम्हें उसकी आज्ञा पे चलना है। तुम याद दिलाओ, तुमने वायदा किया था, मैं तुम्हारा पति हूँ,
गुरु हूँ, अब तुम्हें मेरी आज्ञाओं पर चलना है और मैं तुम्हें कहता हूँ अब पवित्र रहना है। हमें पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चलना है, बहुत प्यार से समझा दो, बच्चों को भी अपने हाथ में कर लो, मतलब अपनी आज्ञाओं में चलाना सीख लो, तो सभी का कल्याण हो जाएगा, अपनी स्थिति को बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। आज समय और बिगड़ चुका है, बाबा की सेवाएं बहुत बढ़ गई, नाम भी बहुत हो गया है ऑर्गेनाइजेशन का, अब विरोध कम है, लेकिन एक समय था बहुत ज्यादा विरोध होता था कि ये नई चीजें कहाँ से बाबा सिखा रहा है। बाबा गीता पढ़ते थे, बाबा ने सबको कहा गीता में नहीं लिखा है क्या, काम महाशत्रु है, काम क्रोध लोभ ये सब नरक के द्वार हैं, इन्हें छोड़ो, तुम पवित्र बनो। तो बस वही तो गीता की बात मैं सबको सुना रहा हूं, मैं ज्ञान का सागर भी हूं, तुम बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बना रहा हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, अभी गुह्य ज्ञान की बात बाबा हम सभी को सुना रहे हैं कि तुमने पूरे कल्प में 84 जन्म लिए और हर जन्म में तुम्हारे फीचर्स अलग अलग थे, चेहरे हाव भाव सब, पूरी आकृति, शरीर की भी आकृति सब अलग अलग थी। बाबा कह रहे जिस रूप में तुम अब मुझसे मिल रहे हो यही रूप तुम्हारा हर 5000 वर्ष के बाद होगा, जो रूप तुम्हारा सतयुग के आदि में था वो अंत में नहीं है, ये मामा बाबा लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इनका फीचर्स बदल जाता है, जो स्वरूप अब है चेहरे का वो वहां नहीं रहेगा और फिर हर जन्म में बदलता जाएगा, एक जन्म का भी दूसरे से मिलेगा नहीं, एक मनुष्य का दूसरे से मिलेगा नहीं। कितना बड़ा राज है ये इस विश्व के ड्रामा का, जितने मनुष्य आत्माएं उतने सबके फीचर्स चेहरे की आकृति अलग अलग हैं। तो बाबा हमें ऐसा गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान के रतन हैं, इसलिए तुम्हें अपार खुशी में रहना चाहिए। तो हमें अपने को चेक करना है कि विभिन्न परिस्थितियों में हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखते हैं, ड्रामा का ज्ञान हमारी बुद्धि में इमर्ज रहता है, जो कुछ भी हो रहा है नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, हमें अपार खुशी रहती है, भगवान के मिलन की खुशी, उससे सत्य ज्ञान प्राप्ति की खुशी हमें रहती है, हम महावीर बनते जा रहे हैं। महावीर एक परिस्थितियों में अचल अडोल रहने वाले, दूसरे माया पर विजयी होने वाले, माया विभिन्न विभिन्न रूप से अटैक करती है लेकिन हमें पावरफुल बनकर माया पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान है इस शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कर्म करने वाले निरंतर योगी और नष्टो मोहा भव। तो ये जो हमें शरीर मिला है, बाबा ने कहा ये ईश्वरीय सेवा के लिए तुम्हें मिला है, ये बाप की अमानत है तुम्हारे पास। तो कोई भी चीज अमानत में हमें दी जाती है उसमें मोहम्मत्व नहीं होता, अपनापन नहीं होता, वो तो फिर वापिस कर देनी होती हमें। तो अगर अमानत समझेंगे शरीर को तो रूहानियत आएगी और इस रूहानियत से सेवाओं में वृद्धि बहुत होगी और देह से जो हमारा मोह है वो भी नष्ट होता जाएगा। स्लोगन है वानप्रस्थ अवस्था में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज का हमारा अभ्यास होगा, स्वयं भगवान हमारा साथी है, वो हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, उसने हमें पवित्र बनने की आज्ञा दी है, पवित्र बनने की ताकत भी वही हमें दे रहा है। तो मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और सर्वशक्तिवान से बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र है, मुझे अचल अड़ोल रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए श्रीमत पर चलकर पवित्रता को संपूर्ण अवश्य करना है। ओम शांति।
To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.